हम गायक कलाकार राजेंद्र रवि यह वीर रस का प्रसंग जो देने जा रहा हूं, यह कहानी भारतीय इतिहास शहीदों के नाम पुष्पांजलि, गीत का शीर्षक है जंग ए शहादत। आज तक गुलाब भैया आप लोग बड़ा बड़ा गीत बजौले हुआ, एक गीत में एक ऐसा क्रांतिकारी का गीत बा जो अपने जज्बा के ऊपर ये छिपा हुआ इतिहास आज मैं देने जा रहा हूं। यादव कुल का रहने वाला, आज तक जितना पहलवानन का जो दंगबाजी सुनने होगा कि दंगल में फलाने अंग्रेज के पटक दहलस, लेकिन ये अंग्रेज के पटकले ना हो, सीधे गोली का निशाना बना दिया। ये ऐसा विरहावा गिनती गिनत रही न मालूम कितने अंग्रेजन के मौत के घाट उतार दिया। ए बाबू भूमिका के अंदर जा। अरे उठा लो मसाला जला दो जब कामी ठंडी होगी तभी अरमा हमारी। एक लाइन, धरती माँ जिस समय अंग्रेज हमारे देश पर आया जुर्म अत्याचार करना शुरू कर दिए बाबू, तो यह धरती माँ करा करके एक आवाज देती है कि नींद से जागो ये हिंद के बाकुरो, क्यों सोए हो? आज सरहद पर ये जो है अंग्रेज जुर्म अत्याचार कर रहे हैं, तो एक लाइन कौगाली का टुकड़ा लगी मास्टर। चरे तेरे दर बार का चल कर करीना यारे हम भी देखेंगे तेरे। अगर मर्जी हुई मालिक तो मदीना यारे हम भी देखेंगे। गौर करेंगे भावस्थल पर, अरे सुने जब हिम की बानी जवानी जंग में जलती। अरे जुटा ले फिर सब बाकी वतन के नाम पर चलती। जुटा ले
और वीर रस का लाइन जौहरी शेर मास्टर। अरे पंजाब प्रांत के अंदर रघुबिंदर नाम कना हर बना था दल का नेता, चल के करना है फायर, सजा का टोली बनता अंग्रेजों को ललकारा, अंग्रेजों भारत छोड़ो पहुंच नहीं तुम्हारा, है कार्नवाल इसका बुलाया तब गोरों को पास बुलाया, अरे जबर कराया दोलन सैनिकों को मंच बढ़ाया, तब गुरिल्ला तुको करते सुनिए ना भारतवासी रघुविंदर नामक यादव वंश का रहने वाला क्रांतिकारियों को अगर अंग्रेज पा जाते थे तो फांसी का फंदा झूला देते थे। ये हर जौन हो चुनौती लिख करके दे दिया रघुविंदर यादव, कह रहे साले मैं भी तुझे पा जाऊंगा तो फांसी का फंदा पर लटका दूंगा। ए बाबू छका करके एक अंग्रेज रास्ता पकड़ करके सिपाही जा रहा था, रघुविंदर यादव पकड़ लेना कल सार यहाँ आवा, अब पकड़ के जौन हो लबे रोड पर उनकर जौन फांसी कर देना, नीबी के पेड़े में लटका देना, लिख देना इनकलाब जिंदाबाद। जब एक खबर का पता लगल बा अंग्रेजन के तो अंग्रेजन के खून खौल गल सनसनी फैल गई, तब का लाइन लिखल गई गीत लगे मास्टर। ये देखा विराट के सम्राट गवैया स्वर्गीय पारस खलीफा बतावे हमने के कि हम एक गीत के सन 1942 में गौले रहे, बतौले हुन का बड़ी पुरान गीत बा। अरे रुन झुन सरंग आए जगिया रुन झुन बजावा, अरे रुन झुन बजावा हो झुमता झमाता जगिया लहोरा। लेकिन यही के हमारे कवि जी का खुरापात कौनो लड़का कौनो लड़की के देख के कहले का हो तू बड़ा गजरा जरा लगा के जात बाड़ू कहीं बिजली गिरेबू का कहले बाप काली काली केसिया में गाजा रास सजावे लू, अरे गाजा रास सजावे लू हो रोज रोज घूमे लू बाजार न हो राम। इत गीत का लाइन रहल तमाम प्रकार का धुन तरह जाना मिली, लेकिन भाव के अंदर लिखल गेल का कि लगली खबरिया जब की कलकत्ता सहारिया, अरे गोरे पापी हो गई ले अंगार न हो रात, तुरत पठवल पापी आपन लाशकारिया, अरे आपन लाशकारी जंगल को घेरे ऊ सवार न हो राम, पिया हर मेरे जंगल को घेरे ऊ सवार
फता में जान पड़ल देखा हिंदवासियन के देखा बारूदा चलावे यार हिंदवासिन का जो लोग जान खतरा में पड़ गल कि अरे बाप रे बाप जंगल को घेर लेना हिंदवासिन का आफत में जान पड़ गल लेकिन वही दौरान बारूद चलावे लगन जब बारूद चलावे लगन तब भैल का मास्टर सेना के निर्देशन राघू बिंदर कारा लागल रघु बिंदर कारा लागल छब्बीस अंग्रेजा जत जियारन हो समझला सेना का निर्देशन वह रघुविंदर यादव करने लगे करते करते बाबू 26 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दी 26 लोग मम्मा लोग दांत चियार देने वही जंगल में जब दांत चियार देने तो वो समय क्रांतिकारी लोग आवाज देने का कहना मास्टर क्या रे रघुबिल्डर साहब हिंद के बगिया क्या रे रघुबिल्डर साहब हिंद के बगिया कि बलता हिंद का दर भेजा कर के यार खौफ से कांपे गोरी शासन पहरा 34 लगाया है जिंदा मुर्दा चाहे बाकी हुक्म यही फरमाया है अब खौप से कांपे गोरी शासन अरे पहरा 34 लगाया है अब जिंदा मुर्दा चाही बागी अरे हुक्म यही फरमाया अरे लगा तो उसके घर में आगी अरे सोनापुर पठाया है अरे चले हम पापी लेकर घोटा जुर्म वही पढ़ाया भैया चल देते हैं अंग्रेज कार्नवालिस नामक अंग्रेज जो पुलिस अधीक्षक था वह आदेश दे दिया कि जाओ सोनपुर गांव में उसके घर में आग लगा दो बागी कहीं होगा जिंदा या मुर्दा पकड़ करके लाना जब अंग्रेज सिपाही चलल बढ़न ए बाबू वही दौरान सोचने कि ये भाई चलल जाते क्यों का घर उजारे बदे जब घर जलावे बदे चलल जाते तो कुछ मनोरंजन कर लेवल जा 12-14 की संख्या में थे बाबू जीप में सवार होकर के चले हैं आ जाके जो नतनी जन मूड मिजाज बनौले बड़न तनी शराब पी ले जब शराब पी के जब पहुंचल बड़न तब का लाइन लिखल गेल का गीत लगे लगे वह गीत का लाइन हो करण बिया का प्यारा जानी कटिहाए बाबा
अनबिया चिरयल के बसे। लेकिन बाबू जौने बखत अंग्रेज गद्दार पहुंचल भनु तब कलाई लिखल गई का कि घरवा में रहल माई बाबू या बहिनिया पपिया कर अत्याचार हो। बपयो मतरिया के खटिया में बांध के रोवेली पहिन मीरा भैया के आराध्य के कह रखिया कीमत कब चुकैबा बिरनवा रखिया कीमत कब चुकैबा बिरनवा असमत हो जाइए प्यालो बहिनिया। एक छोटी बहन जिसका नाम बताया जाता है मीरा, मीरा अंग्रेज पहुंचते ही माता पिता को एक खटिया में बांध दे, एक खटिया में बांध के अयर जौन हो मीरा जौन हो रोवत बा की भैया आज अगर ना आई बाप तो ये बहन का लाज ना बची। रोवत बा तो भैल का हेनरी उड़बड़ लाड सो बिलिया चरिया अब पसिया बुझाऊ तब कहला बला राला चंडी के समान हो चार अधिकारी हेनरी उबर लॉर्ड सोबिन अत्याचारी ये अधिकारी मिलकर कब कहते क्या लड़की हम लोगों के साथ प्यास हमारी बुझा दो हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन जब इतनी बात कहले वाड़न अंग्रेज वो समय मीरा बहिन कलश की अरब गद्दार धन तो लूट लिए क्या धर्म को भी लूटोगे लेकिन मैं अपने जीते जी ऐसा नहीं होने दूंगी। एक लाइन गीत लगे पांच सात जिला का गीत लगे दिखाए के कहा जला मिर्जापुर का चौलरिया बनारस का ढूंढनिया गाजीपुर का कचकचबा अरे बाली बाली अरे हो मरे रामा अरे बाली उमरा कमरा लचकनिया बढ़िया खिचल उड़ के पनिया गोरी कहिला झूलनिया ना
यार बखरी जरत बाप, अंग्रेज सोचत बालन की जो न कोई आवे वाला ना बाप। देखे बाबू यार मीरा भुजाली लेकर के मारा शुरू कर दलस। जब एक जने के मरले तब निकल आए हो गिर गई न मम्मा, तब तक रघुविंदर यादव आए के कैले का कि धड़का दिलवा में दर्द है कजाला। अरे मुड़िया काट के पहने न माला कि घर में छोड़े भैया पहनिया भोरहारिया बखरिया कैसे अइले मुदैया। अरे बाबू मास्टर भैया कहली ना पहले कि देखा ये अजूब सी भी रहा हो। देखे बाबू अंग्रेजों को मौत के घाट उतारने के बाद वह वीर जवान मूड़ी का काट के सार लोगन का माला बना के गरे में लटका के चल दल घर द्वार छोड़ के। घर द्वार जब छोड़ के चल दिले बाप तो ओ समय का लाइन लिखल गई का गीत लग गई फिल्म गंगा किनारे मोरा गांव से लिखल गई। अरे जैसे रोज आवे लू तू टेर सुन के आई हो रे निदिया निडारी बन के। लेकिन बाबू जे समय मूड़ी काट के चलल बाड़न वो समय कौने भेष में चलल बाड़न। अरे भायावा बहिनिया घूमे जोगी बन के करावा ते मुंडा माला नदी में झट के। धर रूप धर जीवन को बिताना है देशवा के खातिर भी दूर अंदर को जुटाना है। अब देवे लगल प्रशिक्षण तलवार खन के अब देवे लगल प्रशिक्षण तलवार खन के भाजावा बहिनिया घूमे जोगी बन के। नदी के तीर जाकर एक झोपड़ी बना के ऐसने जगह झोपड़ी बनून कि नाही सार लोगन का पता बाप। हर जौन देश के लिए क्रांतिकारी को जुटाना शुरू कर दिए। क्रांतिकारियों को जुटा करके उनको ये प्रशिक्षण दिया देने का काम कर शुरू कर दिए। दोनों भाई बहन प्रशिक्षण देने लगे, तलवार बाजी सिखाना लगे, गोली बंदूक बारूद का सिखाना लगे। तो भैल का
तनावा में देसावा का प्यार धज के, तनावा में देसावा का प्यार धज के, भायावा बहिनिया घूमे जोगी बन के। बाबू दोनों भाई बहन प्रशिक्षण देने का काम शुरू कर दिए, कुछ क्रांतिकारियों को जुटा करके, कुछ लड़कियों के जुटा करके देश के लिए तैयार कर दिए, सेना को खड़ी कर दिए। बाबू जब सेना के बनावे शुरू कर देने निर्देश जो रघुविंदर यादव तो भेल का, वही में से एक लड़की कहले बका मास्टर गीत लग गई। एहसान मेरे दिल पर तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। लेकिन वही में से एक लड़की जो नो जेकर नाम बतावल जाला सुमन नाम, अउ जो नो लड़की रघुविंदर यादव पर मोहित हो जाती है। बाबू रघुविंदर यादव पर जब मोहित हो जाती है तो का कहले बा मास्टर। बोली बिरांगना सुमन स्वीकार कीजिए, प्यार से सना है जोगी हार लीजिए। ये हार खुद बनाई हूँ आपके लिए, लगी रूपी बैरागी सौ साल तुम जियो। एक हजार जुआ मेरी बना ले अपनी रानी, वीरांगना हूँ मैं तो जंग करती हूँ सैलानी। सच्ची उमल में हमको सुहाग मिल जाए, गौरों के लिए जलती हुई आग मिल जाए। उजाड़ हुई धरती बाहर दीजिए, उजाड़ हुई धरती बाहर दीजिए, प्यार से सना है जोगी हार लीजिए। जब इतनी बात कहले बाम भी सुमन, ओ समय जोगी रूपी बैरागी रघुविंदर यादव कहला खबरदार, ए मैं हार को स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन एक एक बात सोच लो। का कहले वाला मास्टर पहपट कलाई। अरे प्यार कबाली, प्यार कबाली बोला जल दीवानी जंगी टोली में। अरे प्यार कबाली बोला जल दीवानी जंगी टोली में, आदेश कराई हमारी सलामी जंगी टोली में। हार स्वीकार कैल हली बाटी दल के लेता हो, वादा अब ही पूर्ण होई बाला अब तू चेता हो। आजाद हिंद होई मिली निशानी जंगी टोली में, अरे बना के दुल्हन ले चलबे परानी जंगी टोली में।
कलयत हार तो तुहार स्वीकार कर लेली, लेकिन एक बार सुन ला, वादा तुहार अभी पूर्ण ना हो पाई। वादा पूर्ण कब करब? कि जब हमार देश आजाद हो जाई तब। यह हमार तुझसे वचन बा। तो भैल का आल्हा के अंदर किया द हिंद फौज दल किया द हिंद फौज दल के नेता रघुबिंदर जोगी साधु रूप तब तक छिड़ा सरसा तलवा वाली क्रांति बाबू अंग्रेजों के खिलाफ जला दल कल पान जाब में बाबू पंजाब सहारिया में कर बर बदियाई बाबू रघुबिंद जाय का मचवला का मसा ऐ बाबू जब सन 1857 की क्रांति को जो है फैली है पंजाब के अंदर आग सी फैल गई। हर क्रांतिकारी नौजवान सेना को सजा करके चल दिया है पंजाब शहर में कलश की जनों खून से धरती रंगा जाई। तो भैल का बसवरिया का लग गए लाइन मास्टर अरे सला सला एक नहीं सेना को सजा करके जिस समय पंजाब के अंदर पहुंचे हैं वो समय तड़तड़ तड़तड़ गोली चले लगल। हर जो लोग जितना लोग रहने क्रांतिकारी लोग कोई चक्कू बेबा कोई तलवार चलावत बा कोई भुजाली चलावत बा 72 अंग्रेजों को वह जवान मौत के घाट उतार दिया। आज जो न एक के मार दिले अंग्रेज के तबड़का नाम इतिहास में हो गया। यहाँ 72 अंग्रेजन के मार के जो न ठीक कहले बालन ओकर इतिहास इतना पीछे बाकी जो न उतना तुरंत तु पहुंची न पाई बा। ये तो भैया जो न इतिहास के लेखकन का ही हाल बा। तो लिखल गए गीत कलाई खड़ी क्या रहता था वाक्य खातिर जाना गवाना हीरा
हवा में अधद कल बयागी और जाना जाना में देसा भावना तब जागी बिहारी गुरु सरजू धन धन हिंदुस्तान कथन करे कबीराम सेवक मूर्ति हंसराज ए सपूत हुए बलवा कि रघु बिंदर साहब हिंद के बगिया राजेंद्र हुबे राज बिरहा के